कोरापुट भारत के उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम छोर पर मौजूद ये एक आदिवासी इलाका है, जो जंगलों, झरनों और पहाड़ों से घिरा हुआ काफी सुंदर आनंद देता है। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला है, जो कारखानों और परियोजनाओं के लिए फेमस है। यहाँ देखने लायक कई जगह है। सर्दियों में यहाँ का मौसम और बरसात के बाद हुई हरियाली पर्यटकों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये जिला प्राकृतिक होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक स्थान भी है। यहाँ घूमने के लिए कई पर्यटक स्थल हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जगन्नाथ मंदिर। कोरापुट का मुख्य आकर्षण यहाँ का जगन्नाथ मंदिर ही है, जिसे सबरश्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस मंदिर का निर्माण सबर जनजाति के लोगों ने किया था और उन्हीं के नाम पर मंदिर का नाम सबरश्री क्षेत्र रखा गया। कोरापुट का ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है। इस मंदिर के प्रांगण में पुरी मंदिर के जैसा आनंद बाजार, स्वर्ग द्वार और कई छोटे मंदिर हैं, जो आपको पुरी में होने का एहसास कराते हैं। इसके अलावा उड़ीसा झरनों के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है। कोरापुट का सबसे खूबसूरत और ऊंचा वाटरफॉल है डुडुमा झरना। ये झरना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर मौजूद है, जहां आकर पर्यटकों को एक अलग ही शांति और खूबसूरती का एहसास होता है। इस झरने के पास एक बेहद खूबसूरत पार्क भी है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस झरने का निर्माण मचकुंड नदी से हुआ है। यहाँ कई कंपनियों के जल विद्युत संयंत्र प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इस इलाके में कई आदिवासी प्रजाति के लोग रहते हैं और यहाँ अक्सर लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाते भी नजर आते हैं। इसके अलावा कोरापुट के पास कई दूसरी खूबसूरत और आकर्षित झरने भी हैं, जिनमें झोरा जलारा, जगन्नाथ सागर, नंदापुर, कोरापुट झरना, धुंकरिया जलप्रपात, खड़पतर वाटरफॉल, गुमा वाटरफॉल, चिंकोला वाटरफॉल, लेफ्टी कदम वाटरफॉल और भुंगर झरना जैसे झरने शामिल हैं। इसके अलावा कोलाब का विशाल जलाशय, कोलाब वनस्पति उद्यान, देवमाली पर्वत शिखर, जेतपुरा झील, उमा देवी मंदिर, डुमरीपुट हनुमान मंदिर, 32 सिंहासन, कोरापुट जनजातीय संग्रहालय, कोलाब बांध और बॉटनिकल गार्डन सहित पाटलिपुत्र ब्रिज भी काफी ज्यादा मशहूर है। तो आप भी अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं और किसी नई जगह जाना चाहते हैं, तो उड़ीसा की इन जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल जरूर कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम एयरपोर्ट जयपुर है। अगर आप चाहें तो विशाखापट्टनम के रास्ते भी जयपुर कोरापुट आ सकते हैं। सड़क और रेल मार्ग से विशाखापट्टनम से आने के लिए ये रास्ता काफी ज्यादा खूबसूरत है। कई सुरंग और हरे भरे घाटियों से ये पूरा रास्ता गुजरता है। मानसून और सर्दी के मौसम में यहाँ घूमने का प्लान बनाएं, क्योंकि इस वक्त ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है।